सैमसंग गैलेक्सी A54। हाँ गाइज, यहाँ पे सैमसंग की तरफ से जो सैमसंग की ये A50 सीरीज़ है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा इसका क्रेज़ रहता है और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो बात करने वाले हैं इस वीडियो में यही A54 के बारे में। तो पूरा देखिए, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए आपने नहीं किया आज के वीडियो स्टार्ट। गाइज, यहाँ पर जो सैमसंग का A54 होने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने मिल जाएगा कम्पेयर टू A53। अब A53S नहीं आया, पता नहीं क्यों, बट आना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा चलता है इंडियन मार्केट में ये सीरीज़। तो बात करते हैं A54 के बारे में। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आता हूँ मैं, तो यहाँ पर बिल्ड डिज़ाइन में आता हूँ, देन बाद में बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। तो बिल्ड डिज़ाइन यहाँ पर इस फोन में बहुत प्रीमियम होने वाला है, जैसे कि आपको A53 में मिला था वैसे ही यहाँ पर कुछ अलग थोड़ा सा लुक होगा, बट हाँ अच्छे दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं फ़ोन और डेफिनेटली डिज़ाइन के मामले में बहुत अच्छा मिलने वाला है आपको ये फ़ोन, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है। डिस्प्ले में अगर मैं आ जाता हूँ, 6.5 इंच का फुल एच डी प्ले डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होल होगी, 120 फिशिंग रेट भी होगा, तो डिस्प्ले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत अच्छा क्वालिटी का डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है और 6.5 इंच का इसका स्क्रीन होगा। जेन चिपसेट में आ जाता हूँ, तो स्नैपड्रैगन का 7 Gen कहा जा रहा है कि मिल सकता है। अभी जो चिपसेट यार बहुत ज़्यादा तगड़ा है, अगर ये चिपसेट मिल जाता है डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ गेमिंग बहुत अच्छी हो जाने वाली है और मेरे हिसाब से होना भी चाहिए क्योंकि ये फ़ोन बहुत लोग बाय करते हैं, तो डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए बहुत तगड़ी होनी चाहिए। कैमराज में जाते हैं, चलिए तो मेन कैमरा है आपको 50 पिक्सल का देखने मिलेगा, जो सोनी का लेंस होने वाला है यहाँ पे 766 वाला एंड OIS उसमें होगा एंड 4K कर पाओगे रिकॉर्ड, अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर मिल जाएंगे। इस बार ट्रिपल कैमरा मिलने वाला है, क्वाड कैमरा नहीं मिलेगा, ट्रिपल कैमरा इस बार आपको मिलने वाला है। सेल्फी में 32 पिक्सल की सेल्फी मिल जाएगी, वहाँ से आप होपफुली 1080 में वीडियो बना पाओगे। बैटरी में आ जाते हैं, चलिए तो 4.5 इंच की आपको बैटरी दी गई है, प्लस टाइप सी है। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग ही मिलेगी, अब ये मुझे कहीं से सेंस नहीं बन रहा है। चलिए बैटरी का मैंने सुना था इंक्रीज़ हो सकती है, शायद 5000 हो जाए, 4.5-5000 के बीच में, या 5000 या तो 4.5 हज़ार कुछ ऐसे ही होगा, बट फास्ट चार्जिंग नहीं बढ़ाई गई। मतलब ये मेरे को इतना डिसअपॉइंटिंग लगा है इसकी, मैं क्या बताऊँ आप लोग, क्योंकि 2023 में आएगा ये स्मार्टफोन, अभी इस साल तो आ नहीं रहा है, और 2022 में मैं एक्सेप्ट नहीं करता वैसे 25 वोट, बट सैमसंग की क्या बात करें हम, 25 वोट ही मिलेगा आपको। तो यार ये देख लेना, पिछले बार तो बॉक्स में नहीं दिया था चार्जर, मतलब एडेप्टर, तो इस बार क्या होगा ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बात। UI में आ जाता हूँ, चलिए अगर एंड्रॉयड 13 जब तक आ गया तो आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, यानी आपको OnE UX रन करने वाला है। कि ये पूरा सैमसंग का A53 A54। तो ये सब चीज़ें अच्छी लगी, बस मुझे फास्ट वो चार्जिंग का सही नहीं लगा और बैटरी भी इंक्रीज़ कर दी तो अच्छा रहता, बट क्या है यार मतलब समझ में नहीं आई मुझे बात। चलिए कोई नहीं, अब फाइनली हम बात करते हैं प्राइस एंड लॉन्च के बारे में। तो मैं बताना चाहता हूँ, सुनो जो प्राइस होने वाला है वो कम नहीं होने वाला, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई कम हो जाएगा, नहीं, 35,000 रुपये के नीचे तो आएगा ही नहीं, 35,000 रुपये के ऊपर ही स्टार्ट होगा। तो आप लोग 40,000 लगभग इसका जो बेसमेंट होगा, 35-40 के बीच में लगभग आने वाला है, 38-39 ऐसे ही होगा। तो देख लो, अगर लेना चाहते हो तो भाई आप लोग बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। एंड फाइनली मैं बात करता हूँ इसके लॉन्च के बारे में कि कब आएगा इंडिया के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये कहा जा रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने के बीच में ये फ़ोन आपको इंडिया के अंदर आ सकता है और आ ही जाएगा, ये कन्फर्म है, ठीक है, इन 3 महीने में आपको ये फ़ोन इंडिया के अंदर मिल ही जाएगा और A74 भी आएगा। तो उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके अपनी राय बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। हमारा कॉन्टेंट पसंद आया है लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, कमेंट कर दो, तो बताओ कैसा लग रहा है आजकल का हमारा कंटेंट। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम एक वीडियो डालें, बट ये होता है ना कभी कभी व्यूज़ नहीं आते ना तो थोड़ा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर नहीं बनाते, बट हाँ आप लोग फिर सपोर्ट बहुत दिखाते हो, 1 पॉइंट मतलब 1,000 प्लस कर देते हो व्यूज़ कभी कभार, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो में रखता हूँ, टिल देन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।